नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, गणपत फिल्म का फर्स्ट रिव्यू आया है। उमेश संधू सेंसर बोर्ड के सदस्य बताए जाते हैं विदेशों में, दुबई वगैरह में, और वहां से वो सभी फिल्मों का रिव्यू करते हैं। हालांकि उनके रिव्यू पे कोई विश्वास ज्यादा करता नहीं है, लेकिन मैंने फटा उनका रिव्यू, तो उन्होंने तो दोस्तों फिल्म की धजिया उड़ा दी। उन्होंने कहा कि इतनी गंदी फिल्म है, इतनी बेकार फिल्म है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी है। उनका कहना है मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो कई अच्छी फिल्मों को बेकार बता चुके हैं और वो फिल्में बाद में बहुत अच्छी चली है, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त चीज साबित हुई है, जिसमें गदर 2 भी शामिल है। तो इनके रिव्यू पर ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है। इनके अनुसार तो फिल्म में ना तो कोई स्क्रिप्ट है, ना कोई कहानी है, ना कोई एक्टिंग है, ना बीजीएम अच्छा है, ना संगीत अच्छा है, ना दोस्तों डायलॉग्स अच्छे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। 0 स्टार इन्होंने रेटिंग दी है फिल्म को, और कहा है कि टाइगर श्रॉफ तथा कृति सेनन दोनों ही लेस भी है ना, और इनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं है, कोई दम कुछ भी दम नहीं है, ना डायरेक्शन है, ना एक्टिंग है, मतलब इन्होंने फिल्म को 0 स्टार दिया। इससे आप समझ सकते हो कि इन्होंने अब तक जितनी भी फिल्में देखी उनमें सबसे वरिष्ठ, सबसे बेकार फिल्म बताई है। लेकिन दोस्तों, इनके ही भाई के आर के तो फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो इनके रिव्यू पर कोई ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, ना ही टाइगर श्रॉफ तथा अमित जी के प्रशंसकों को निराश होने की जरूरत है। क्योंकि अगर किसी फिल्म को बेकार बताते हैं तो ज्यादातर वो फिल्म अच्छी ही निकलती है, तो इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत से रिव्यूज आएंगे, कल फिल्म रिलीज हो रही है, और प्रमोज मुझे तो कम से कम काफी अच्छे लगे। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे, टीजर जबरदस्त लगा, माइंड ब्लोइंग। फिल्म का एक गाना भी आज आ रहा है, सारा जहां, जो दोस्तों आप सारा जवाना, जो याराना फिल्म का अमित जी का एक जबरदस्त गाना था, वो गाना भी फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, एडवांस बुकिंग कम जरूर मिली है फिल्म को, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर करेगी कमाल और लोगों को पसंद आएगी। कल देखते हैं फिल्म का किस प्रकार का रिव्यू जाता है, और आज अगर शाम को रिव्यू जाते हैं कोई प्रीमियर शो वगैरह के, स्क्रीनिंग वगैरह के, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल इतना ही। आप बताइएगा आपको गणपत फिल्म से कितनी उम्मीदें हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।